हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम वापस आ गए हैं नया वीडियो लेकर, जिसमें हम आज एक नई बुक के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक अपने कानों में अपनी एयरफोन्स या फिर हेडफोन्स नहीं लगाई है तो लगा लीजिए। हमने हमारे वीडियो को ऑडियो फॉर्मेट में रखा है ताकि आप आपके डेली रूटीन के काम करने के साथ साथ इन ऑडियो समरी को सुनकर अपनी फाइनेंशियल लाइफ को और भी बेहतर बना सके। हम आपके समय के महत्व को जानते हैं। आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए आप इसे आपके काम करते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए या फिर हमारे इस YouTube चैनल के ओनर सचिन ठाकुर की तरह आलसी हो तो फिर आप इस ऑडियो समरी को सोते हुए भी सुन सकते हो। तो फिर चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फिनेंशियल लक्ष्यों को समझना। सीमेंट्स शुरुआत करते हैं और महत्व देते हैं कि स्पष्ट वित्तीय लक्ष्यों का होना कितना जरूरी है। उन्होंने पाठकों को मार्गदर्शन किया है वास्तविक उद्देश्यों को सेट करने में, चाहे वो रिटायरमेंट के लिए बचत करना हो, घर खरीदना हो या फिर वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करनी हो। बचत और निवेश का पावर किताब बचत और समझदारी से निवेश करने का प्रभाव दिखाती है। सीमेंट्स ने समझाया है कि जल्दी शुरू करना कितना महत्वपूर्ण है, कंपाउंडिंग का प्रभाव क्या होता है और निरंतर निवेश के फायदे क्या होते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के दुनिया में सफर। सीमेंट्स निवेशों के दुनिया को समझाते हुए अलग अलग निवेश विचलनों जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स के बारे में चर्चा करते हैं। उन्होंने बताया है कि व्यक्तिगत जोखिम सहिष्णुता के साथ मेल खाता हो, वो विभिन्न निवेशों को विकसित करने के लिए कैसे सहायक होता है। रिस्क और रिटर्न का बैलेंस। लेखक स्पष्ट करते हैं कि निवेश में जोखिम और रिटर्न का संतुलन कितना जरूरी है। सीमेंट्स मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि ऐसे निवेश चुने जो व्यक्तिगत जोखिम सहिष्णुता और लंबी समय दृष्टि वित्तीय उद्देश्यों के साथ मेल खाते हैं। प्रैक्टिकल बजटिंग और खर्चा व्यवस्था के हैबिट्स। किताब वास्तविक बजट तैयार करने के तकनीकों और स्वस्थ खर्च व्यवस्था को खोजती है। सीमेंट्स कार्रवाइयों और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए खर्चों को प्रबंधित करने के लिए विशेष सुझाव देते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग स्ट्रेटजीज। सीमेंट्स व्यापक पेंशन योजना के लिए रणनीतियों की पेशकश करते हैं। उन्होंने पेंशन की आवश्यकताओं की गणना करने के तरीकों, प्रभावी बचत करने के तरीकों और पेंशन खातों पर सूचित निर्णयों की सलाह दी है। डेट मैनेजमेंट और क्रेडिट का इस्तेमाल। लेखक ऋण प्रबंधन और जिम्मेदार क्रेडिट उपयोग पर बात करते हैं। सीमेंट्स देते हैं ऋण संभालने, जिम्मेदार क्रेडिट बिल्ड करने और सामान्य क्रेडिट दलालों से बचने के लिए रणनीतियाँ। इंश्योरेंस और इस्टेट प्लानिंग गाइडेंस। किताब बीमा और इस्टेट प्लानिंग के महत्व को समझती है। सीमेंट्स अपेक्षित बीमा कवरेज और आवश्यक इस्टेट प्लानिंग के विचारों को उजागर करते हैं। टैक्सेस और टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टिंग। सीमेंट्स टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टिंग रणनीतियों के इनसाइट्स प्रदान करते हैं। उन्होंने निवेशों पर टैक्स को कम करने के तरीके और उपलब्ध कर लाभों को ऑप्टिमाइज करने के तरीके की चर्चा की है। लाइफ चेंजेस और फाइनेंशियल चैलेंजेस को फेस करना। बिहेवियरल फाइनेंस और पर्सनल फाइनेंसेस। क्लेमेंट्स पर्सनल फाइनेंसेस में बिहेवियरल फाइनेंस और उसके प्रभाव पर ध्यान देते हैं। उन्होंने डिस्कस किया है कॉमन बिहेवियरल बायसेस जो फाइनेंशियल डिसीजंस को प्रभावित करते हैं और स्ट्रेटजीज दी है उन्हें पर काबू पाने के लिए। इमरजेंसी फंड्स और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। किताब में इमरजेंसी फंड्स की महत्ता पर ध्यान दिया गया है वित्तीय सुरक्षा के लिए। क्लेमेंट्स ने गाइडेंस दी है इमरजेंसी सेविंग्स बनाने और बनाए रखने के लिए अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए। एजुकेशन फंडिंग और कॉलेज सेविंग्स प्लान्स। क्लेमेंट्स ने एजुकेशन फंडिंग और कॉलेज सेविंग्स प्लान्स पर सलाह दी है। उन्होंने वेरियस ऑप्शंस को डिस्कस किया है चिल्ड्रंस एजुकेशन एक्सपेंसेस के लिए सेविंग करने के लिए। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज फॉर डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। जीवन के स्टेजेस को एक्सप्लोर करते हुए क्लेमेंट्स ने कस्टमाइज किया है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ के लिए, जैसे करियर की शुरुआत, परिवार का सहारा करना और रिटायरमेंट के लिए तैयार होना। फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स। किताब ने इनसाइट्स प्रोवाइड किए हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए। क्लेमेंट्स ने डिस्कस किया है बिजनेस फाइनेंसेस को मैनेज करना, पर्सनल और बिजनेस फाइनेंसेस को अलग करना और बिजनेस ग्रोथ के लिए प्लानिंग करना। मेंटल शिफ्ट्स फॉर फाइनेंशियल सक्सेस। क्लेमेंट्स रीडर्स को एनकरेज करते हैं एक माइंडसेट अडॉप्ट करने के लिए जो फाइनेंशियल सक्सेस को फॉस्टर करता है। अनहोन डिस्कस किया है मनी के एटीट्यूड्स को चेंज करना, डिसिप्लिन को कल्टिवेट करना और इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल चॉइसेस लेने के लिए। एथिकल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग। लेखक ने टच किया है एथिकल और सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग पर। क्लेमेंट्स ने डिस्कस किया है कैसे इंडिविजुअल्स अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलाइन कर सकते हैं पर्सनल वैल्यूज और सोशल इम्पैक्ट के साथ। कंटिन्यूअस लर्निंग और फाइनेंशियल लिटरेसी।
किताब ने एम्फसाइज किया है कंटिन्यूअस फाइनेंशियल एजुकेशन की महत्ता पर। क्लीमेंट्स रीडर्स को इनकरेज करते हैं कि वे कंटिन्यू लर्निंग करें पर्सनल फाइनेंस के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए, कम्युनिटी एंगेजमेंट और गिविंग बैक। क्लीमेंट्स ने हाईलाइट किया है कम्युनिटी एंगेजमेंट और गिविंग बैक की सिग्निफिकेंस को। उन्होंने डिस्कस किया है चैरिटेबल गिविंग को इनकॉर्पोरेट करना फाइनेंशियल प्लानिंग में। रियल लाइफ फाइनेंशियल सक्सेस स्टोरीज, आइए कुछ कहानियां सुनते हैं जो लोगों ने किताब के सिद्धांतों को अपनाकर वित्तीय सफलता हासिल की है। इन उदाहरणों में हाईलाइट करेंगे कि ये कैसे क्लीमेंट्स के सलाह से मिलते जुलते हैं और दर्शकों को प्रेरित करते हैं। टेक्निक्स फॉर डेट रीपेमेंट, अर्न को सक्षमता पूर्वक चुकाने के लिए उपायों की खोज करेंगे। क्लीमेंट्स कुछ विशिष्ट तकनीक या योजनाएं साझा कर सकते हैं जो अर्न बोझ को कम करने और वित्तीय स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करती हैं। बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फाइनेंशियल फ्यूचर, बजट और बचत के अलावा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी पर बात करेंगे। क्लीमेंट्स इनसाइट्स प्रदान कर सकते हैं सस्टेनेबल आय के स्रोत या निवेश से लंबे समय तक वित्तीय स्थिरता के लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर यूनिक लाइफ सर्कमस्टेंसेस, देखेंगे कैसे क्लीमेंट्स विविध जीवन परिस्थितियों जैसे एकल मातृत्व, तलाक, वृद्ध परिवार की देखभाल या नौकरी का नुकसान के लिए वित्तीय योजना को एड्रेस करते हैं। टैक्स सेविंग स्ट्रेटजीज फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए कर बचाने के टिप्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें डिडक्शंस, रिटायरमेंट अकाउंट्स या व्यवसाय वित्तों को समझदारी से संरचित करने के लिए। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड्स ऑन पर्सनल फाइनेंस, बहस करेंगे कि क्लीमेंट्स व्यक्तिगत निवेशों पर आर्थिक परिवर्तनों, मुद्रास्फीति, ब्याज दरों के बदलाव या बाजार की अस्थिरता के दौरान प्रभाव को कैसे नेविगेट करने के लिए गाइड करते हैं। डिजिटल फाइनेंस एंड मनी मैनेजमेंट टूल्स, आधुनिक उपकरणों और ऐप्स को खोजेंगे जो क्लीमेंट्स के सिद्धांतों के साथ संरेखित हैं। बजटिंग, खर्चों को ट्रैक करने, निवेश करने या वित्तीय लक्ष्यों को सकारात्मक ढंग से संचालित करने के लिए। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मनी मैनेजमेंट, वित्तीय निर्णय लेने के मानसिक पहलुओं में गहराई से जाएंगे। बताया जाएगा कैसे भावनात्मक तिरस्कार पैसों के प्रबंधन पर असर डालते हैं और उन्हें पार करने के लिए तरीके। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली फायर मूवमेंट, जांचेंगे कि क्लीमेंट्स के उपदेश जैसे अर्ली रिटायरमेंट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के कंसेप्ट से कैसे घुलमिल रहते हैं उसके प्रैक्टिकल अमल की दृष्टि से। ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स, बहस करेंगे कैसे ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट्स या जियोपॉलिटिकल इवेंट्स पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स पर असर डालते हैं और क्लीमेंट्स कैसे सुझाव देते हैं ऐसे सिचुएशंस को नेविगेट करने के लिए। द साइकोलॉजी ऑफ स्पेंडिंग एंड सेविंग हैबिट्स, क्लीमेंट्स ने व्यय और बचत के चारों ओर के व्यवहारिक पहलुओं पर गहराई से जांच की है। उन्होंने खोजा है कि कैसे मानसिक ट्रिगर्स उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करते हैं और स्वस्थ वित्तीय आदतों को बढ़ावा देने के लिए उपायों को। अचीविंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, क्लीमेंट्स के निर्देशों पर बात करेंगे वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए। वित्तीय स्वतंत्रता के अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे जिसमें बचत लक्ष्य, निवेश रणनीतियां और जीवन शैली में समायोजन शामिल होते हैं। इवॉल्विंग इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, क्लीमेंट्स के तेवर को जानने का अन्वेषण करेंगे कैसे वे बदलते निवेश परिदृश्य और वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक के प्रभाव को संज्ञान में लेते हैं। उन्नतियां, ऑनलाइन टूल्स और आधुनिक निवेशकों के लिए उनका महत्व चर्चा करेंगे। इम्पैक्टफुल फिलैंथ्रोपी एंड चैरिटेबल गिविंग, क्लीमेंट्स के उपायों पर जोर देंगे इम्पैक्टफुल फिलैंथ्रोपी और चैरिटेबल गिविंग पर। चर्चा करेंगे देने के तरीकों की, उद्देश्यों की पहचान करने की और फाइनेंशियल प्लानिंग में चैरिटेबल योगदानों को कैसे शामिल किया जाए। हेल्थ केयर प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म केयर, क्लीमेंट्स के मार्गदर्शन पर चर्चा करेंगे स्वास्थ्य योजना और दीर्घकालिक देखभाल के लिए। चर्चा करेंगे स्वास्थ्य खर्च, बीमा की विचारणा और रिटायरमेंट में चिकित्सा आवश्यकताओं की योजना को। फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर यंग एडल्ट्स एंड स्टूडेंट्स, उनके लिए चर्चा करेंगे क्लीमेंट्स के वित्तीय शिक्षा के सलाह को जो युवा वयस्कों और छात्रों के लिए है। चर्चा करेंगे वित्तीय साक्षरता के महत्व, शुरुआत करने की जरूरत और मजबूत वित्तीय आधार बनाने की। नेविगेटिंग इकोनॉमिक रिसेशंस एंड डाउनटर्न्स, चर्चा करेंगे उन रणनीतियों की जो क्लीमेंट्स सिफारिश करते हैं इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के समय नेविगेट करने के लिए। प्रूडेंट फाइनेंशियल क्रियाएं, निवेश के अवसर और चैलेंजिंग इकोनॉमिक टाइम्स में एसेट्स को सेफगार्ड करने के लिए। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, जांचेंगे विकल्प निवेश रणनीतियां जो क्लीमेंट्स ने चर्चा की है जैसे रियल एस्टेट, पीयर टू पीयर लेंडिंग या अदर अनकन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट्स और उनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में रोल। बैलेंसिंग शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स,
चर्चा करेंगे क्लेमेंट्स के दृष्टिकोण को शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को बैलेंस करने के लिए। चर्चा करेंगे इमीडिएट नीड्स की योजना के महत्व को, साथ ही फ्यूचर फाइनेंशियल एस्पिरेशंस को सुरक्षित करने के लिए। एक, वित्तीय प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अनियमित घटनाओं में निवेश। अनप्रत्याशित घटनाओं जैसे नौकरी की हानि, आर्थिक मंदी या अप्रत्याशित खर्चों के दौरान वित्तीय प्रतिरोधक क्षमता बनाने के लिए क्लेमेंट्स के रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। दो, निवेश निर्णयों पर व्यावहारिक पक्षधरों का प्रभाव। क्लेमेंट्स द्वारा उजागर किए गए व्यावहारिक पक्षधरों और उनके निवेश चयनों पर उनका प्रभाव जांचेंगे। थ्री, विरासत नियोजन और पीढ़ी वितरण। क्लेमेंट्स के सुझाव पर विरासत नियोजन और भविष्य की पीढ़ियों को धन का संकलन करने के लिए रणनीतियों पर गौर करेंगे। फोर, आपातकालीन निधि और आकस्मिक योजना। आपातकालीन निधि और आकस्मिक योजना की महत्ता को समझाएंगे। पांच, मूल्यों को निवेश चयन के साथ संरेखित करना। निजी मूल्यों और नैतिक परिस्थितियों को निवेश निर्णयों के साथ मेल करने की चर्चा करेंगे। सिक्स, आय उत्पादन और पासिव स्ट्रीम्स। क्लेमेंट्स की सलाह पर पासिव आय स्ट्रीम्स उत्पन्न करने की खोज करेंगे। सात, धन संचयन में मानसिक बाधाएं। धन संचयन को रोकने वाले मानसिक बाधाओं को जांचेंगे और उन्हें पार करने की रणनीतियों पर बात करेंगे। एट, व्यक्तिगत वित्त मिस्टेक्स से बचाव। क्लेमेंट्स द्वारा उजागर की गई सामान्य वित्तीय गलतियों की चर्चा करेंगे। नौ, आर्न चुकाना और निवेश बढ़ाना। आर्न चुकाने और भविष्य की वृद्धि के लिए निवेश में संतुलन स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन देंगे। 10. विभिन्न जीवन चरणों में वित्तीय लक्ष्यों का बदलाव। जीवन के विभिन्न चरणों में वित्तीय लक्ष्यों के बदलते महत्व पर चर्चा करेंगे। जोनाथन क्लेमेंट्स ने बहुत ही साफ दिखाया है कि जीवन के अलग अलग स्टेजेस में फाइनेंशियल गोल्स कैसे बदलते हैं। उन्होंने जोर दिया है कि बदलते परिस्थितियों के जवाब में फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज को एडजस्ट करना कितना महत्वपूर्ण है। मान लीजिए अर्ली एडल्टहुड में क्लेमेंट्स ने सलाह दी है कि फोकस इमरजेंसी फंड बनाने पर होना चाहिए, हाई इंटरेस्ट डेट को चुकाने पर और लंबे समय के ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए। जब लोग मिडलाइफ में आते हैं तब गोल्स घर खरीदने, बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा बचाने और रिटायरमेंट की कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाने की ओर शिफ्ट हो सकती है। क्लेमेंट्स ने एम्फसाइज किया है कि रेगुलर तरह से अपने गोल्स को दोबारा असेस करना और फाइनेंशियल प्लान्स को प्रायोरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ एडजस्ट करना कितना जरूरी है। जोनाथन क्लेमेंट्स की द लिटिल बुक ऑफ मेन स्ट्रीट मनी की एक संक्षिप्त झलक। जोनाथन क्लेमेंट्स ने एक व्यापक गाइड पेश किया है जिसमें फाइनेंशियल रेजिलियंस, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने की सलाह और स्टेबल फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के स्ट्रेटजीज हैं। उनकी बुक अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स जैसे जॉब लॉस और इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के दौरान रेजिलियंस बिल्ड करने की स्ट्रेटजीज को कवर करती है। उन्होंने बिहेवियरल बायसेस के इन्वेस्टमेंट्स पर कैसे असर डालते हैं उस पर भी डीपली बात की है, साथ ही उन्होंने प्रैक्टिकल एडवाइस दी है इन बायसेस को ओवरकम करने के लिए। क्लेमेंट्स ने एम्फसाइज किया है लेगेसी प्लानिंग और वेल्थ ट्रांसफर की इम्पोर्टेंस को, जिसमें एस्टेट प्लानिंग, ट्रस्ट्स और फ्यूचर जनरेशंस के लिए वेल्थ प्रिजर्व करने की बात की है। उन्होंने समझाया है कि इमरजेंसी फंड बनाना और कंटिंजेंसी प्लानिंग को कैसे इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से टेलर किया जाना चाहिए। क्लेमेंट्स ने एक्सप्लोर किया है पर्सनल वैल्यूज को इन्वेस्टमेंट चॉइसेस के साथ अलाइन करने को, एथिकल इन्वेस्टिंग ऑप्शंस को और पैसिव इनकम स्ट्रीम्स जनरेट करने के तरीके को। जोनाथन क्लेमेंट्स ने बहुत ही साफ दिखाया है कि जीवन के अलग अलग स्टेजेस में फाइनेंशियल गोल्स कैसे बदलते हैं। उन्होंने जोर दिया है कि बदलते परिस्थितियों के जवाब में फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज को एडजस्ट करना कितना महत्वपूर्ण है। मान लीजिए अर्ली एडल्टहुड में क्लेमेंट्स ने सलाह दी है कि फोकस इमरजेंसी फंड बनाने पर होना चाहिए, हाई इंटरेस्ट डेट को चुकाने पर और लंबे समय के ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए। जब लोग मिडलाइफ में आते हैं तब गोल्स घर खरीदने, बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा बचाने और रिटायरमेंट की कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाने की ओर शिफ्ट हो सकती है। क्लेमेंट्स ने एम्फसाइज किया है कि रेगुलर तरह से अपने गोल्स को दोबारा असेस करना और फाइनेंशियल प्लान्स को प्रायोरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ एडजस्ट करना कितना जरूरी है। जोनाथन क्लेमेंट्स की द लिटिल बुक ऑफ मेन स्ट्रीट मनी की एक संक्षिप्त झलक। जोनाथन क्लेमेंट्स ने एक व्यापक गाइड पेश किया है जिसमें फाइनेंशियल रेजिलियंस, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने की सलाह और स्टेबल फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के स्ट्रेटजीज हैं। उनकी बुक अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स जैसे जॉब लॉस और इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के दौरान रेजिलियंस बिल्ड करने की स्ट्रेटजीज को कवर करती है। उन्होंने बिहेवियरल बायसेस के इन्वेस्टमेंट्स पर कैसे असर डालते हैं उस पर भी डीपली बात की है, साथ ही उन्होंने प्रैक्टिकल एडवाइस दी है इन बायसेस को ओवरकम करने के लिए।
क्लीमेंट्स ने एम्फेसाइज किया है लेगेसी प्लानिंग और वेल्थ ट्रांसफर की इम्पोर्टेंस को, जिसमें एस्टेट प्लानिंग, ट्रस्ट्स और फ्यूचर जनरेशंस के लिए वेल्थ प्रिजर्व करने की बात की है। उन्होंने समझाया है कि इमरजेंसी फंड बनाना और कंटिंजेंसी प्लानिंग को कैसे इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से टेलर किया जाना चाहिए। क्लीमेंट्स ने एक्सप्लोर किया है पर्सनल वैल्यूज को इन्वेस्टमेंट चॉइसेस के साथ अलाइन करने को, एथिकल इन्वेस्टिंग ऑप्शंस को और पैसिव इनकम स्ट्रीम्स जनरेट करने के तरीके को। जोनाथन क्लेमेंट्स ने इन्वेस्ट किए जा रहे पैसे के डिसीजंस को पर्सनल वैल्यूज के साथ अलाइन करने के बारे में गहराई से बात की है, जहां उन्होंने एथिकल कंसिडरेशंस की महत्वपूर्णता को हाईलाइट किया है। उन्होंने इन्वेस्टर्स को इनकरेज किया है कि वह एक्सप्लोर करें एथिकल इन्वेस्टिंग ऑप्शंस, जैसे कि सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग SRI, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग और एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस ESG क्राइटेरिया। क्लेमेंट्स ने यह सपोर्ट किया है कि लॉग कंपनीज पर रिसर्च करें जो उनके वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करती हैं और साथ ही पोटेंशियल फाइनेंशियल रिटर्न्स भी ऑफर करती हैं। उन्होंने हाईलाइट किया है कि इन्वेस्टर्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है जब वे बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटी देती हैं। इनकम जनरेशन और पैसिव स्ट्रीम्स। इनकम जनरेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्लेमेंट्स ने अलग अलग सोर्सेज क्रिएट करने के लिए वेरियस एवेन्यूज एक्सप्लोर किए हैं। उन्होंने स्ट्रेटजीज डिस्कस की है, जैसे कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स REITs, रेंटल प्रॉपर्टीज या फिर साइड बिजनेसेस स्टार्ट करना। क्लेमेंट्स ने एम्फसाइज किया है इनकम सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना कि कितना जरूरी है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्रिएट करने में हेल्प करता है और ऑनगोइंग रेवेन्यू स्ट्रीम्स जनरेट करता है जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी और ग्रोथ को ऑफर कर सकता है। वेल्थ एक्यूमुलेशन के साइकोलॉजिकल बैरियर्स। जोनाथन क्लेमेंट्स ने वेल्थ एक्यूमुलेशन में रुकावट बनने वाले साइकोलॉजिकल बैरियर्स को एड्रेस किया है। उन्होंने फियर ऑफ इन्वेस्टिंग, स्केयरसिटी माइंडसेट और इमोशनल बायसेस को एक्सप्लोर किया है जो पुअर फाइनेंशियल डिसीजंस पर जाते हैं। क्लेमेंट्स ने स्ट्रेटजीज प्रोवाइड की हैं, जैसे कि एजुकेशन, प्रोफेशनल गाइडेंस लेना, डिसिप्लिनड इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने का और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके रैशनल फाइनेंशियल चॉइसेस लेने का। पर्सनल फाइनेंस में अवॉइड करने वाले मिस्टेक्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स से कंटिन्यू करते हुए क्लेमेंट्स ने हाईलाइट किए हैं कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो इंडिविजुअल्स को अवॉइड करना चाहिए। इसमें ओवर स्पेंडिंग, सेविंग की नेग्लिजेंस, मार्केट टाइमिंग, एक्सेसिव डेट लेना और अनडिवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इंक्लूड है। अनहोन इन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के एक्शनेबल एडवाइस दिए हैं, जैसे कि बजटिंग, कंसिस्टेंट सेविंग हैबिट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, डेट को रिस्पॉन्सिबली मैनेज करना और वेल डिवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मेंटेन करना जो इंडिविजुअल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ अलाइन हो। डेट रीपेमेंट और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ को बैलेंस करना। क्लेमेंट्स ने गाइडेंस प्रोवाइड की है डेट रीपेमेंट और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए। उन्होंने रिकमेंड किया है कि हाई इंटरेस्ट डेट को प्रायोरिटी देना चाहिए और साथ ही साथ पोटेंशियल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज से बेनिफिट लेने के लिए इन्वेस्ट भी करना चाहिए। क्लेमेंट्स ने सजेस्ट किया है कि डेट्स के इंटरेस्ट रेट्स को एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के साथ कंपेयर करना चाहिए और बैलेंस्ड अप्रोच को एडवोकेट किया है जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को कंसिडर करता है। ये होलिस्टिक ओवरव्यू द लिटिल बुक ऑफ मेन स्ट्रीट मनी बाय जोनाथन क्लेमेंट्स से डाइवर्स फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को कवर करता है, ऑफरिंग प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज, इनसाइट्स और गाइडेंस इंडिविजुअल्स के लिए जो अलग अलग फाइनेंशियल चैलेंजेस को नेविगेट करना चाहते हैं, इन्फॉर्म डिसीजंस लेना चाहते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं अक्रॉस डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। जोनाथन क्लेमेंट्स के लेगेसी प्लानिंग और इंटरजेनरेशनल वेल्थ ट्रांसफर पर दी गई सलाह अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ एस्टेट प्लानिंग और फ्यूचर जनरेशंस को वेल्थ ट्रांसफर करने के आसपास है। उन्होंने एम्फसाइज किया है कॉम्प्रिहेंसिव एस्टेट प्लान की महत्वपूर्णता पर, जिसमें विल्स, ट्रस्ट्स और बेनिफिशियरी डिजिग्नेशंस शामिल होते हैं। क्लेमेंट्स ने हाईलाइट किया है कि इन डॉक्यूमेंट्स को रेगुलर रिव्यू और अपडेट करना कितना जरूरी है, जिससे लाइफ सर्कमस्टेंसेज, टैक्स लॉज और फाइनेंशियल गोल्स को रिफ्लेक्ट किया जा सके। इमरजेंसी फंड बनाने और कंटिंजेंसी प्लानिंग के इम्पोर्टेंस पर क्लेमेंट्स ने स्ट्रेस किया है, जो कि फाइनेंशियल रेजिलियंस का एक फंडामेंटल कंपोनेंट है। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दी है इमरजेंसी फंड सेटअप करने के लिए, जो इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से टेलर किया जा सकता है। डिफरेंट लाइफ स्टेजेस में इवॉल्विंग फाइनेंशियल गोल्स के एक्सप्लोरेशन में क्लेमेंट्स ने एक्नॉलेज किया है शिफ्टिंग प्रायोरिटीज जो इंडिविजुअल्स को फेस करते हैं। उन्होंने डिस्कस किया है कि मिड लाइफ में फाइनेंशियल गोल्स चिल्ड्रंस एजुकेशन एक्सपेंसेस या होम परचेज के लिए हो सकते हैं, जबकि लेटर स्टेजेस में रिटायरमेंट प्लानिंग और हेल्थ केयर कॉस्ट पर फोकस हो सकता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की इम्पोर्टेंस पर क्लेमेंट्स ने अपनी बुक में एडवोकेट किया है जैब फाइनेंसेस मैनेज कर रहे होते हैं और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहे होते हैं। उन्होंने पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बेनिफिट्स को हाईलाइट किया है
वेल्थ बिल्ड करने में। कंक्लूजन, जोनाथन क्लेमेंट्स की द लिटिल बुक ऑफ मेन स्ट्रीट मनी एक कॉम्प्रिहेंसिव और प्रैक्टिकल गाइड है जो फाइनेंशियल वेलबींग के लिए होलिस्टिक अप्रोच ऑफर करता है। इंसाइटफुल एडवाइस, एक्शनेबल स्ट्रेटजीज और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस करके क्लेमेंट्स ने रीडर्स को एम्पावर किया है फाइनेंशियल चैलेंजेस को नेविगेट करने के लिए, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए और स्टेबल फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अक्रॉस वेरियस लाइफ स्टेजेस। उनकी एम्फेसिस वैल्यूज को इन्वेस्टमेंट्स के साथ अलाइन करने, बिहेवियरल बायसेस को एड्रेस करने और चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के अडेप्ट होने पर इस बुक को इंडिविजुअल्स के लिए वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती है जो फाइनेंशियल सक्सेस और सिक्योरिटी की तलाश में है। जोनाथन क्लेमेंट्स स्ट्रेस करते हैं डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज में। उन्होंने रिकमेंड किया है कि इन्वेस्टमेंट्स को स्प्रेड करना चाहिए अलग अलग एसेट क्लासेस, इंडस्ट्रीज और जियोग्राफिकल रीजन्स में रिस्क को कम करने के लिए। क्लेमेंट्स ने एसेट एलोकेशन को मेंटेन करने और रिस्क एक्सपोजर को मैनेज करने के लिए पीरियोडिक पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की जरूरत को भी हाईलाइट किया है। टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज पर बात करते हुए क्लेमेंट्स ने टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टिंग की महत्वपूर्णता को एड्रेस किया है। उन्होंने एम्फसाइज किया है रिटायरमेंट अकाउंट्स जैसे IRAs और 401Ks का यूज करके टैक्स डिफर्ड या टैक्स फ्री ग्रोथ का फायदा उठाना। इकोनॉमिक और मार्केट चेंजेस के अडेप्टिंग होने की जरूरत पर क्लेमेंट्स ने फोकस किया है। उन्होंने एम्फसाइज किया है कि इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना जरूरी है, लेकिन उन्होंने कॉशन दी है इम्पल्सिव डिसीजन से जो शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस या सेंसेशनल न्यूज पर बेस्ड होते हैं। कंटिन्यूस लर्निंग और प्रोफेशनल एडवाइस की इम्पॉर्टेंस को प्रमोट करते हुए क्लेमेंट्स रीडर्स को ऑन गोइंग फाइनेंशियल एजुकेशन और प्रोफेशनल एडवाइस लेने की वैल्यू हाईलाइट करते हैं। कम्युनिटी और फिलंथ्रपी के इम्पॉर्टेंस को भी टच किया गया है जोनाथन क्लेमेंट्स ने। पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस करते हुए भी उन्होंने हाईलाइट किया है चैरिटेबल कॉजेस को सपोर्ट करना और कम्युनिटी इनिशिएटिव्स को कंट्रीब्यूट करना का फुलफिलमेंट और पॉजिटिव इम्पैक्ट। जोनाथन क्लेमेंट्स की द लिटिल बुक ऑफ मेन स्ट्रीट मनी इंडिविजुअल्स को वेल्थ ऑफ नॉलेज और प्रैक्टिकल गाइडेंस प्रोवाइड करता है। उनका कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज से लेकर रिस्क मैनेजमेंट तक के अलग अलग एस्पेक्ट्स को एड्रेस करता है, प्रोवाइडिंग रीडर्स को रोबस्ट फ्रेमवर्क टू नेविगेट पर्सनल फाइनेंस के कॉम्प्लेक्सिटीज में। अगर आपको यह समरी वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक बटन दबाना और सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर इंसाइटफुल कॉन्टेंट। कन्वर्सेशन में शामिल हो, सीखते रहिए और क्यूरियोसिटी को बरकरार रखिए। याद रखें, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिंग एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।